सामने देख कर प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जो बुलाई है इसमें मुख्य रूप से डीजल पेट्रोल रसोई गैस इत्यादि के दाम जो बढ़े हैं उन पे कांग्रेस पार्टी ने अपनी चिंता व्यक्त की है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी भी काफी चिंतित थे। पिछले दिनों उन्होंने एक बैठक बुलाई जिसमें तमाम देश के प्रदेश अध्यक्ष वगैरह उपस्थित हुए और ये निर्णय लिया गया तमाम सहयोगी साथियों के साथ बातचीत करके कि हमें भारत बंद का कॉल देना चाहिए और जिस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी आई जिस तरह से लगातार मूल्य वृद्धि हुए हैं डीजल के पेट्रोल के और गैस के वो संक्षिप्त में चिंता का विषय है और ये सीधे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं आम आदमी के जो लोग हैं देश में उन पर यह असर डालती है। मोदी सरकार ने अपने इस कार्यकाल में लगभग पेट्रोल डीजल से 11 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं और उनके जो सहयोगी साथी मित्र हैं उनकी जेब में यह सीधा गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे और तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि इन 4 वर्षों में किस तरह से मूल्य की वृद्धि हुई है। कच्चे तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल वो हमारे समय में यूपीए की जब सरकार थी तो लगभग 160 डॉलर था। उस समय जो है जो कीमतें थी वो 73 रुपए थी कच्चे तेल की। पेट्रोल की कीमत 79 रुपीस आज चल रही है मतलब 69-80 रुपए। कल रात में एक बैग इन्होंने दाम को बढ़ाया है डीजल और पेट्रोल को आधी रात में जबकि आप क्रूड ऑयल की अगर कीमत को देखें तो वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज भी जो है वो लगभग 73 रुपए और कीमत में आप देखेंगे कि वो इजाफा जो हुआ है वो 8.1% का है जबकि यूपीए की गवर्नमेंट में वो जो परसेंटेज था वो काफी निचले स्तर पर था। और इसी तरह डीजल की कीमतों को आप देखें जो 54-55 रुपए हुआ करती थी यूपीए के कार्यकाल में 107 रुपए प्रति बैरल हमारा कच्चे तेल की कीमत थी आज वो कच्चे तेल की कीमत 73 रुपए है लेकिन डीजल की कीमतों को देख लीजिए और पेट्रोल की कीमतों को देख लीजिए आसमान छू रहा है। कुल मिलाकर के आप अगर देखें तो लगभग ये जो है 16.6% महंगा हुआ जो ये तमाम तेल है। तो ये तेल का खेल लगातार इस देश में चल रहा है। जनता परेशान हो रही है खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि हुई है। यूपी के सरकार में हम 50 पैसे भी कभी बढ़ाते थे तो ये पूरी सरकार रोड पर खड़ी होती थी भारतीय जनता पार्टी रोड पर आती थी और आज कान में तेल डाल करके कुंभकर्ण के नींद ये सो रहे हैं और इनको कोई ना आम लोगों की चिंता है ना देश की चिंता है ये स्थिति है।